और दीन की तबलीग के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसकी ज़रूरत को हमेशा समझा है। खानकाह रहमानी के बुजुर्गों ने इस पे हमेशा तवज्जो दी है और ये उनके सामने बड़ी अहमियत की चीज़ रही है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह सहीफ़े रहमानिया के नाम से माहनामा निकाला करते थे। हजरत मौलाना मन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में अल जामिया माहनामा यहाँ से निकला करता था। जब वो अमीर शरीयत हुए तो उन्होंने इमारत से निकलने वाले नकीब के दायरे में वसत लाई और अल हिलाल परचा के भी एडिटर की हैसियत से उन्होंने काम किया। हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यहाँ से सहीफा नाम का पर्चा निकलता था और दीन की तबलीग होती थी और उनका ही अखबार इसार था जिसने बिहार में बड़ी शोहरत हासिल कर ली थी। ज़माना बदला और जब सोशल मीडिया का दौर आया तो हमारे हजरत मुफक्किर मिल्लत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल साहब रहमानी दामत बरकातुहुम आलिया ने जामे रहमानी में सहाफत का शोबा कायम किया। ये 2021 से लेकर के ये शुरू हुआ है और ये 3 साल हो चुका है और अब ये शोबा बहुत तरक्की कर गया है। इसके तहत फिक्र व नज़र ऑफिशियल चैनल कायम था, अब वो टीवी फिक्र व नज़र टीवी के नाम से अब वो सामने आ गया है और उसका लोगो भी बदल गया है। हम हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और हजरत नायब अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करेंगे कि वो फिक्र व नज़र टीवी के लोगो का इजरा फरमा दें। फिक्र व नज़र टीवी किस तरह काम कर रहा है और दीन की खिदमत करने में वो किस हद तक मुनहमिक है, उसके लिए उस शोबे के जिम्मेदार जनाब फजल रहमा रहमानी साहब से गुजारिश है कि वो आए, 2 मिनट में उस शोबे का तारुफ कराएं और उसकी जो खसूसी पेशकश है वो उसको पेश करवाएं। मैं